वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंचितो बाइकर्स। आज आप लोगों को फिर से हम लोग लेके आए हैं ओवरहॉलिंग पे, जहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था एक बीस्ट को, जो बीस्ट आई बिलीव आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग चैनल पे नए हो, अभी तक नहीं देखे हो, ऊपर में आई बटन में आ रहा है, आप लोग क्लिक करके इस वीडियो का बाद ही देखना। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंट्रो देख के आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कौन से बाइक के रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो हियर वी गाइस, डुकाटी पैनिगेले 959, जिसके बारे में इन डिटेल आप लोग को बताएंगे। इन डिटेल मैं नहीं बताऊँगा, आपको बताएगा आचल भैया। तो चलिए मिल लेते हैं आचल भैया से। तो आचल भैया कैसे आप? बस बढ़िया भाई, वेलकम बैक। वेलकम बैक। दिस पर्टिकुलर बाइक इज अ 2017 मैन्युफैक्चर्ड बाइक, 2018 रजिस्टर्ड। इट्स ओडिशा रजिस्टर्ड बाइक, डन अराउंड 9600 किलोमीटर्स। बहुत कम ही चला है। काफ़ी कम चला हुआ है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, आप भी देख सकते हो। आई मीन नो स्क्रैचेस, देयर इज नथिंग डैमेज। दिस इज अ कंप्लीट ट्रैक स्पेक मोटरसाइकिल। दिस पर्टिकुलर बाइक कम्स विद अ फुल सिस्टम ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट, व्हिच इज ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। दिस इज एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑस्टिन रेसिंग। दिस एग्जॉस्ट अलोन कॉस्ट यू अराउंड 2.2 lakhs। एंड ये आपका एंड कैन से लेके पूरा ब्रेंड पाइप तक चेंज किया गया है, पूरा है, पूरा पूरा टिल द इंजन मैनिफोल्ड। उसके अलावा आपकी आरएनजी की टेल टाइडी लगी हुई है विद आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स। अच्छा, ये इंडिकेटर्स भी आपका आफ्टर मार्केट? जी, ये भी आफ्टर मार्केट है। मैंने इसको 4 दिन पहले डुकाटी के वर्कशॉप से सर्विस करवाया हुआ है, तो जो भी लेगा उसको 1 साल तक सर्विस भी नहीं कराना होगा। तो बहुत अच्छा बात है, ब्रिलियंट है। तो इसका जितना सारा सर्विस रिकॉर्ड है सब डुकाटी का, पूरा पूरा जो भी इसको लेगा उसको पूरा डुकाटी का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी मिलेगा 100%। तो दिस इज़ अ 156 bhp मोटरसाइकिल एंड काफ़ी हल्की बाइक है, और एग्जॉस्ट हटाने के बाद और भी हल्का हो गया। तो इसका एग्जॉस्ट हटाने के बाद इसका स्टाइल भी चेंज हो गया, बट काफ़ी स्टाइल भी चेंज हुआ है, बाइक को चलाने में भी बहुत फ़र्क है। और सबसे अच्छा चीज़ जो है कि Ducati इज़ अ वेरी लाइट, सो दे कम्प्लीटली मेंट फॉर ट्रैक। Ducati का सबसे अच्छा चीज़ लगता है मेरे को इसका कलर। कलर तो बहुत यूनिक है, ये कलर कोड जो है आपको मैच करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आप Ducati के वर्कशॉप में भी जाओगे, दे विल नॉट गिव यू दिस कोड। सो इट्स सिमिलर टू द फेरारी रेड, क्योंकि ये इटालियन मोटरसाइकिल है। तो इसका जो कलर होता है, दे वेरी पर्टिकुलर, उनके लोगों से लेके उनके वर्कशॉप में आप अगर देखो तो ये पर्टिकुलर कलर कोड के साथ वो लोग पेंट करते हैं, इवन ऑन द वॉल्स, ऑन द लोगो, एवरीवेयर। पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिए ओवरऑलिंग में कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम भी नहीं। तो इसका प्राइसिंग क्या है भैया? वी आर एक्सपेक्टिंग 10.5 लाख फॉर द बाइक। ऑब्वियसली द प्राइस इज नेगोशिएबल, बट ओनली वंस यू कम हियर, सी द बाइक, फिजिकली इंस्पेक्ट करिए, फिर मेरे साथ बैठिए टेबल पे, मैं 100% ऐसा प्राइस दूंगा जो आपको इंडिया में और कोई नहीं दे पाए। तो ये चैलेंजिंग प्राइस है? 200% चैलेंजिंग है मेरा, 200% चैलेंजिंग प्राइस है। ओके, सो इसका थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। मैं इसको सिर्फ स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये इतना लाउड है कि नेबर्स विल स्टार्ट कंप्लेनिंग। सो आई विल जस्ट थोड़ा सा, बट आई विल नॉट रेव इट। It's a very nice bike. Jo lega, it will be a unique motorcycle to keep. Yeah, please do visit, and that's when you'll get to know about the bike. So let's go to the next bike. कौन सा next bike भैया हम लोग को दिखाएंगे? कहते हैं लोगों को मोटा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए खाते पीते खानदान वाले। एकदम सही बोला भाई। तो खाते पीते खानदान वाले हम हैं, इसीलिए हम लोग क्रूजर बाइक्स चलाते हैं। और खाते पीते खानदान का सबसे बेहतरीन बाइक है फैट बॉय। हार्ले का ये बाइक आता है, और हमारे साथ आचल भैया भी है जो इस बात पे बिल्कुल एग्री करते हैं। और उसके साथ साथ अभी हम लोग इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में अगर बात करें, मतलब इसका जो प्रेजेंस है, स्ट्रीट प्रेजेंस फील जो है, ये काफ़ी क्रूजर बाइक्स को टक्कर देने के लिए जो 100% ऐसी बाइक आप, मतलब दिस इज लाइक फादर ऑफ एनी क्रूजर, इट्स आई कैंडी। सो दिस इज बेसिकली गॉन इन फॉर अ नॉर्मल सर्विस। तो मेरे को 2 से 3 दिन पहले मैं हार्ली डेविडसन से सर्विस करा के लाया हूँ। जैसे
आपने पहले के वीडियो में भी देखा होगा कि वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स कि भाई मैं कंपनी से सर्विस करवाऊंगा, कंपनी से रिकॉर्ड मिलेगा एंड फॉर एवरीवन हु वांट्स टू बाय माय मोटरसाइकिल्स और वांट्स टू कम सी माय बाइक्स दे कैन सी माय सर्विस रिकॉर्ड। और अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात कर ले तो इस बाइक का टोटल सीसी होता है 1700 एंड ऑन टॉप ऑफ इट इसका जो टैंक है इसका कितना लीटर का टैंक है ये? आई थिंक दिस इज अ 17 लीटर टैंक, आई एम नॉट एक्यूरेट मे बी, बट इट्स आई थिंक अराउंड 17 टू 18 लीटर्स फ्यूल टैंक। राइट, किलोमीटर का अगर बात करें तो इट्स डन ओनली 330 किलोमीटर्स। नाउ कमिंग ऑन टू दिस 329 किलोमीटर्स, काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो लोग बताते हैं द आस्किंग प्राइस इज टू मच हाई, there are many more shops which is providing in much more lesser. Right. तो lesser details जो हम आप लोग भैया लोग बता रहे हैं तो उनको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कम क्लोजर यहाँ पे देखिए, इसका मीटर रीडिंग 329 बता रहा है और इवन इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट, इसका अगर आप सर्विस रिकॉर्ड चेक करते हो तो उससे पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मीटर यहाँ से खोल के हम लोग दूसरा मीटर लगा दिए और अपने मन मुताबिक 329 किलोमीटर दिखा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मीटर भी चेंज करो और ECU आपकी बाइक में है तो जैसे आप अपने मीटर को प्लग इन करोगे तो वही एग्जैक्ट रीडिंग आपके मीटर पर आएगा। सो विद दैट सेइंग इस बाइक को थोड़ा सा फायर अप करते हैं, लेट्स हियर द रेव नोट। With that note, thank you very much, Ashan bhai. We will be back. So stay tuned with us. Do like, share, subscribe, and comment below. ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी बिल्कुल फॉलो करना मत भूलिएगा। So till then, have a nice day.